डेरा सच्चा के लोगों ने लगाया डेरा। संत गुरमीत राम रहीम रेप के मामले में दोषी साबित हुए। क्या है पूरा मामला? साल 2002 में डेरा मुखी की एक महिला समर्थक ने रेप का आरोप लगाया था, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब हरियाणा कोर्ट को खत लिखकर इसकी सूचना दी थी। तब कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। सीबीआई की जांच के बाद 2007 में डेरा मुखी पर रेप, हत्या और आपराधिक जोर जबरदस्ती के मामले सही साबित हुए। उन पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या, साल 2002 में डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का आरोप तथा 2007 में राम रहीम के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तरह कपड़े पहने, जिस वजह से सिंह समुदाय उनसे बेहद नाराज हो गए और कई जगहों पर घटनाएं हुई। वैसे तो संत गुरमीत राम रहीम के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती रही है, तो कभी उनकी फिल्मों को लेकर, तो कभी उनके पहनाव को लेकर। लेकिन 15 अगस्त 2017 को डेरा सच्चा के राम रहीम पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और वो आरोपी साबित हुए। जैसे ही 25 अगस्त 2017 को दोपहर 3 बजे फैसला आया, उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ मचा दी, कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिसमें 25 से 30 लोग मारे गए, जिसमें पंचकुला में कई गाड़ियां जलाई गईं। इसका असर दिल्ली के सादरा में भी पड़ा, जहां पर भी गाड़ियां जलाई गईं, और गाजियाबाद के लोनी में भी गाड़ियां जलाई गईं। इधर कोर्ट ने इन सब नुकसान की भरपाई के लिए उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए कहा है। अब देखना होगा कि 3 दिन बाद उन्हें कितने साल की सजा मिलती है।